ओके ओके, सबका मूड यही है तो हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। यस मम्मी, फाइट वाली एक्शन मूवी, डिशुम डिशुम डिशुम। नहीं मम्मी, जिसमें बहुत सारे गाने और डांस हो। ओके बाबा, तो क्यों ना हम सब लोग फैमिली मूवी देखने चले, क्यों जी? देखो भाई, मैं तो चाहता हूँ कि फिल्म देखने से पहले सिनेमा हॉल का चुनाव हो जाना चाहिए। फिल्म से पहले सिनेमा हॉल का चुनाव। मैडम, एक सजेशन है, क्यों ना बच्चे को फिल्म दिखाने ले जाएं? हाँ हाँ मैडम, शहर में एक बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, हाथी की दोस्ती वाली, बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होंगे। अरे छोड़ो, बच्चों को हैरी पॉटर की फिल्म दिखाते हैं, बच्चे आजकल वही पसंद करते हैं। कोई कार्टून फिल्म भी बच्चों को दिखा सकते हैं। सुनिए, मेरे ख्याल से हमें फिल्म से पहले सिनेमा हॉल का चुनाव करना चाहिए। फिल्म से पहले सिनेमा हॉल का चुनाव। हैरान हो गए ना, फिल्म से पहले सिनेमा हॉल का चुनाव? अरे भाई, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, हॉल तो कोई भी चल जाएगा। हॉल कोई भी चल जाएगा? जी नहीं, अब ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। सिनेमा हॉल के चुनाव का मतलब है आप जिस सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा रहे हैं वहाँ फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। अच्छा है अगर आप जागरूक हैं, पर ऐसी ही जागरूकता सिनेमा हॉल के मैनेजर या मालिक आदि में भी होनी चाहिए। ये आपका अधिकार है कि आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाकर फायर सेफ्टी के बारे में पूछताछ करें, उन्हें जानें, उनके महत्व को समझें। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं अग्नि सुरक्षा के उन उपायों के बारे में जो किसी भी सिनेमा हॉल में अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी सिनेमा हॉल या मॉल या ट्रेड फेयर, सुपरमार्केट्स, धार्मिक स्थल या ऐसी जगह जहां भीड़ एकत्रित होती हो, सभी बिजली के उपकरण वहां बाहर की ओर ऐसी जगह होने चाहिए जिनमें कोई खराबी आने पर आसानी से पहुंचा जा सके और हादसे की स्थिति में वे उस जगह को नुकसान न पहुंचा सके जहां लोग बैठे हैं या फिर घूम फिर रहे हैं। हॉल से बाहर निकलने के लिए उचित और निर्धारित संख्या में द्वार होने चाहिए जिनमें हर समय उचित रोशनी हो और साफ साफ लिखा हो। किसी भी सिनेमा हॉल में निर्धारित कुर्सियां ही होनी चाहिए और उनके बीच उचित दूरी होनी चाहिए छोटी मोटी आग से निपटने के लिए, ताकि वो एक बड़ा हादसा न बन जाए। जगह जगह पर निर्धारित संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होने चाहिए जिन तक पहुंचना भी आसान हो। पानी और बालू से भरी फायर बकेट्स भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। इन सब के साथ साथ इमरजेंसी लाइट्स भी होती हैं, जो बिजली जाने की स्थिति में अपने आप जल उठती हैं। इसके अलावा हम पिक्चर शुरू होने से पहले और इंटरवल में भी पब्लिक को उनके कर्तव्य भी याद दिलाते हैं, जैसे कि हॉल के अंदर सिगरेट न पिएं, बाहर भी केवल स्मोकिंग जोन्स में ही धूम्रपान कर उसे वहीं ऐश ट्रे में बुझाकर अंदर आएं और अन्य ज्वलनशील पदार्थ हॉल के अंदर न लाएं। आग लगने की हालत में पैनिक किए बिना निकास मार्गों का प्रयोग करें। कुर्सियों के बीच के रास्तों में किसी प्रकार की बाधा पैदा न करें। हादसे की स्थिति में धैर्य रखते हुए हॉल को जल्द से जल्द खाली कर दें। और सबसे जरूरी बात यह है कि सिनेमा हॉल के सभी कर्मचारी प्रशिक्षित होने चाहिए। उन्हें उन तरीकों का अच्छी तरह पता होना चाहिए जिन्हें अपनाकर वो आग लगने की हालत में लोगों को बचा सकते हैं। ऐसे सुरक्षा उपाय तो हर सिनेमा हॉल में होने चाहिए, ये कानूनन बहुत जरूरी है। लेकिन भाई साहब, ताली तो दो हाथों से ही बजती है ना? सिनेमा हॉल वाले भी अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय करें और आप भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। हर सिनेमा हॉल में निकासी द्वार स्पष्ट हो, फर्स्ट हैंड फायर फाइटिंग का इंतजाम हो और वहां के कर्मचारी प्रशिक्षित हों, ताकि दुर्घटना की हालत में लोगों को बचाया जा सके। हमने अग्नि सुरक्षा के उन उपायों की बात की जिन्हें अपनाने से आग नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आग लग जाए तो आप तुरंत 101 नंबर पर फोन करें। इस बात को आप याद रखें। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब सच में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया जाए? कहिए, टिकट बुक करवाऊं क्या? डोंट वरी, उसी सिनेमा हॉल में लिए चलती हूँ जहाँ फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम है। आग दोस्त है, आग सेवक है, आग दुश्मन है, आग भक्षक है। आग से सदा रहो सावधान, ये सबसे बड़ी विनाशक है।